किया है, किस मामले में समन जारी किया गया है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में उनको समन जारी किया गया है। सेक्शन 17 के तहत उन्होंने दो आई कार्ड रखे थे, एक साहिबाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से और एक चांदनी चौक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जो कार्ड सेक्शन फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 9 के तहत ना उन्होंने कोई इस पर फॉर्म लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई फॉर्म उस पर ट्रांसफर या कैंसिलेशन के लिए दर्ज कराया है, क्योंकि जो समन विटनेस आई थी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्होंने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया कि उनका कोई फॉर्म आया है। और जो लेटेस्ट लिस्ट डेट अपडेट हुई थी 2019 में, वहां दोनों जगह नाम अपीयर हो रहा था और उसके बाद उनका कोई करेक्शन या कोई कुछ उनकी नॉलेज में नहीं था, जितनी भी हमारी समन विटनेस दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई थी। ये जो सेक्शन 17 की जो पनिशमेंट का प्रावधान है, ये सेक्शन 31 में है, जिसमें एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 18 नवंबर को इसकी अगली डेट है, उनको इसमें 18 नवंबर को पेश होना होगा। मैम, ये किसकी शिकायत पे जारी हुए हैं सब? ये हरीश खुराना जी की शिकायत पे जारी हुआ है। उन्होंने इंटरनेट अपना स्क्रॉल कर रहे थे, वो बैठ के वहां उन्होंने ये देखा कि ये उनके दो डॉक्यूमेंट हैं। उन्होंने उन दो डॉक्यूमेंट पे कार्रवाई करी और बीजेपी लीगल की टीम में नीरज जी हेड थे उसके, विजय जोशी जी, अजय दिक्पाल जी, चैतन्य सर और रश्मि सिंगल और बाकी के सभी एडवोकेट ने मिलकर इस केस को आगे बढ़ाया और उसमें समन जारी कराया।